फाइट वर्ब होता है, फाइटिंग क्या हुआ, वर्ब भी हो सकता है नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, मेल अंडा मेल्स फॉर्म फीमेल एग से मिलेगा और फर्टिलाइज होके रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ज्यादातर हम क्या है सेक्स बोलते हैं, जब एनिमल्स में सेक्स होता है तो क्या समझते हैं, पेनिट्रेशन, है ना, थोड़ा बड़े, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, हाँ इसी में फिर आगे बात करता है। तो इसी के चलते जो हम बातें पहले भी किया है, ठीक है, पीनस क्या हो गया बेसिकली, हाँ क्या है पीनस, ऑर्गन है, क्या करता है उस ऑर्गन का काम क्या है, अच्छा शुक्राणु को, और क्या काम है पीनस का, एक और काम है, सबसे पहले तो शिशु करना ना, ठीक है, और दूसरा काम क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए, बस एक अंग है जो कि स्पर्म को फीमेल के अंदर पहुंचा देता है, ठीक है, बस एक अंग है, जैसे कान का क्या काम है, ना वैसे हाथ का काम है कुछ पकड़ना है कुछ चीज करना है, तो ऐसे ये भी एक काम है जिसका दो काम है, क्या सुसु करना और जैसे क्या है पेन होता है, पेन पेन फेमस से पेन कलम, कलम का क्या काम होता है, लिखना है ऐसे लिखना, लेकिन ऐसे मार भी सकता है ना किसी को, तो वही पीनस का क्या काम है, रिप्रोडक्शन करना, लेकिन उसी चीज को किस और भी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, हंसने का लाभ नहीं है, ये रोज अखबार खोल के तुम क्या पढ़ता है, रेप हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्या है वही हो रहा है ना, जो मेन काम की जगह अब पेन को तो तुम चाकू की तरह इस्तेमाल करेगा तो क्या है वही चीज हो रहा है, और वैसे ही वजाइना क्या है, एक ऑर्गन है, अंग है जिसमें मेल सेल वो अंदर जा सकता है और उसके चलते नया जीवन एक शुरू होगा, ठीक है। और रेप में क्या है कि क्या आप जैसे मर्डर हुआ किसी को मारेगा, क्या मर्डर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रेप में बस आप शरीर को नहीं मार रहे, उसके दिमाग को भी खत्म कर रहे, ठीक है, बहुत ये हंसने का बात नहीं है, ठीक है, बहुत सीरियस बात। अच्छा और वैसे फिर आगे क्या, ब्रेस्ट क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, हाँ उसका काम क्या है, अंदर मिल्क ग्लैंड होता है जो दूध हो रहा है और उससे वो दूध देता है हर मैमल में है ना, उससे बच्चा को बड़ा करता है, पोषण देता है, ठीक है। तो अब ये सब हमको जब पता है तो फिर भी इतना इन चीजों के ऊपर हम लोग पागल क्यों हो जाते हैं चीजों के, यानी एक कहीं आपने फोटो देख लिया पीनस का या वेजाइना का या ब्रेस्ट का, वो उसके दिमाग को ऐसा हिल क्यों जाता है, अट्रैक्शन, अच्छा क्या होता है अट्रैक्शन बता, बताओ तो क्या होता है अट्रैक्शन, दिमाग का प्रॉब्लम है अट्रैक्शन, लेकिन समझ है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जैसे क्या है हम लोग जितना भी लोग जिंदा है सेक्स की वजह से जिंदा है ना यहाँ पे, लेकिन हम सब वो भूल के अलग ही इस चीज को बना दिया समाज में, पावर गेम बना दिया एक, तो पता है पावर गेम क्या होता है, पावर गेम जैसे आपके स्कूल में चलते रहता है एक समझ रहा है पॉलिटिक्स है ना, टीचर्स के बीच में इधर उधर चलते रहता है वो पावर गेम होता है, वैसे हमने सेक्स जो कि बस एक रिप्रोडक्शन का एक मेथड है उसको भी एक पावर गेम बना दिया है, कैसे पावर गेम बना दिया, आदमी अपना पावर मेल के ऊपर या फिर कभी कभार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है मेल अगर बाहर फ्रस्ट्रेटेड है काम में उसको बॉस को डांट के आके बीवी को मारेगा रेप करेगा है ना,
रेप का मतलब क्या होता है? बिना इच्छा के सेक्स, शादी के बाद भी रेप हो सकता है, ठीक है? शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं है कि जब मन हुआ बीवी को पकड़ के सेक्स किया, ठीक है? कभी उसका भी मन होता है, हंस रहा है, ठीक है? जोक सुना रहा हूँ, समझा? तुम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रेप क्या होता है, बलात्कार का क्या होता है? बिना इच्छा का, हंसने का बात है, वही भी हंस रहा है, तुम खतरनाक रहते हो, ठीक है? चलो बलात्कार में लेने का बात नहीं है, ठीक है? ये सब कभी भी हो सकता है, आपके आसपास भी शायद बहुत लोग है। अभी मैं आपको और स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, ठीक है? इतना ये आप, हम लोगों को लगता है ना कि बस अखबार में होता है, बहुत बार ये हो सकता है आप इस कमरे में बैठे कुछ लोगों के साथ हो रहा हो, ऐसा नहीं हो बस लड़कियों के साथ रेप होता है, बहुत बच्चों के साथ रेप नहीं तो कुछ कुछ उल्टा सीधा चीज हुआ होता है, और वो लोग बताता नहीं है, अपने माँ बाप को भी नहीं बताते, क्यों? शर्म के कारण, ठीक है? ये सब हंसी मजाक का चीज है। तो और धीरे धीरे क्या है, सोसाइटी में भी ये चीज बढ़ गया है, जो पुराना जो आप बोलते हैं परंपरा, उसमें क्या है, डायरेक्ट सेक्स का बात नहीं करता है ना, थोड़ा दूसरे तरीके से बात करता है, लेकिन क्या है, कंट्रोल करना चाहता है जो सेक्स, जो आपका अट्रैक्शन जो बोल रहा है, जैसे क्या बोलते हैं कि धर्म कुछ बोलता है कि हाँ, डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि सेक्स मत करो, लेकिन किस तरह से कि इस टाइम पे नहीं होना चाहिए, या फिर अलग रहेगा और फिर ये सब रहेगा। और मॉडर्न उसमें थोड़ा उल्टा हो रहा है, जो मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है, जैसे आप टीवी फिल्म देखता है, देखता है, उसमें थोड़ा उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें सेक्स को एक प्रोडक्ट बना दिया, जैसे आप लोग बाजार में जाके पेप्सी खरीदता है, या फिर कोक खरीदता है, या क्या जो भी चिप्स मिक्सचर लेता है, सेक्स को वैसा कुछ बना दिया है कि यानी एक चीज है जो आपको कंज्यूम करना है, कंज्यूम का मतलब खरीदना है, यानी उसका भोग लेना है, कंजम्पशन का मतलब देखना, ठीक है? कंजम्पशन तो बेसिकली सेक्स को भी एक चीज बना दिया जिसको आप खरीद सकता है, और कैसे खरीद, हाँ क्या हुआ, हीरो आ जाओ, हाँ तो क्या है, प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, एड्स, टीवी फिल्म, सेक्स को एक चीज ऐसा बहुत खतरनाक बना देना, हर एक को लगता है कि उसको चाहिए, उसको चाहिए, चाहे उसका नेचुरल जो तो अट्रैक्शन हो रहा है ना, एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है जब सही में आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन है, प्यार है, लेकिन उससे ज्यादा हमने सेक्स को एक ऐसा बना दिया जो फेक अट्रैक्शन है, जो दिमाग का अट्रैक्शन, हमेशा आदमी बहुत लोग ऐसा जो हमेशा सोचते रहता है, सेक्स एडिक्ट हो जाता है, हमेशा सेक्स के बारे में सोचते रहता है, और उसी की वजह से प्रोस्टिट्यूशन क्या है, सेक्स जो कि क्या है, एक जीवन बनाने का माध्यम है, उसको हमने खरीद के पैसा देके सेक्स करने का वो बना दिया। पोर्नोग्राफी क्या है, पॉर्न, सेक्स फिल्म, झूठ फिल्म, पॉर्न, सब देखा होगा, हाँ हाँ झूठ बोल दो, देखा होगा जरूर, नहीं देखा कभी भी, अच्छा ठीक है, सब अच्छा बात है, लेकिन अगर रेप भी हो गए तो कुछ इतना बुरा बात नहीं, बस ये नहीं है कि हमेशा 24 घंटे हुए देखते रहना, ठीक है? अभी उम्र है, देखा है नहीं देखा है कोई बात नहीं, लेकिन पागल नहीं हो रहा है उस चीज के लिए। एडवर्टीजमेंट, बातचीत से लेकर यानी कुछ ट्रैक्टर बेचने के लिए एक औरत को बिक्री में खड़ा कर देता है, क्यों? ट्रैक्टर और बिकनी में औरत का क्या काम है? जैसे कि अगर मान लो ठीक है बीच का कुछ सामान बेच रहा है, जो समझ रहा है ना, बीच बीच सी बीच का, तो उसमें ठीक है लड़की को खड़ा करते हैं, उसमें समझता है कि क्यों खड़ा कर दिया भाई, माचिस बेचने के लिए क्या मतलब है, समझ रहा है ना? टीवी फिल्म में भी ये सब बहुत कुछ, जैसे पिक्चरों में क्या देखता है, लड़की जा रही होती है हीरो सिटी मारता है, हाथ पकड़ लेता है, लड़की गुस्सा होती है, फिर वो गाना गाता है, और फिर धीरे धीरे वो प्यार हो जाता है, असल में नहीं होता है, असल में दो सिनेरियो होता है, या तो लड़की थप्पड़ मारेगी, या फिर तुम जो लड़का होगा वो उसको हाँ रेप कर देगा, पकड़ के ले जाएगा, ठीक है, या पुलिस आ जाएगी,
तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में धीरे धीरे जब हम बचपन से बड़ा हो रहे हैं ना, टीवी फिल्म सोसाइटी समाज ये सब हमारे आइडियाज घुसाते रहते हैं, वहीं से जो तुम बोलते हैं ना अट्रैक्शन और गुस्सा वाला अट्रैक्शन जो है वो यहीं से आ रहा है, उस पर थोड़ा और हम बात करेंगे। ठीक है, सेक्स बाकी सब डार्कर स्पीशीज में क्या है, सेक्स और रिप्रोडक्शन सेम है ना, समझ गया ना। इंसान में क्या है, इसको दो अलग चीज बना लिया, सेक्स अलग रिप्रोडक्शन अलग। ठीक है, क्यों, एक तो क्या है इंसान में इमोशंस है ना, इमोशन क्या भावना है, फीलिंग्स, और क्या है दिमाग, दिमाग बहुत सुंदर है। सेक्स और रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है, एक फिजिकल शारीरिक और बायोलॉजिकल चीज है ना, इसको हम लोग दिमाग पर ज्यादा लगाने लग गया है माइंड, इसलिए ये दोनों अलग हो गया है और इतना कुछ प्रॉब्लम दिमाग के लिए सेक्स एक प्रॉब्लम बन गया है ना दिमाग के अंदर सबका, पूरे समाज में चल रहा है उसी के चलते ये सब हो रहा है, वायलेंस वायलेंस का हिंसा। ठीक है, प्यार से ज्यादा जब आप सेक्स का सोचते हैं क्या हिंसा आता है ना, जैसे अब आप लोग बोल रहे कभी पॉर्न नहीं देखा तुमको, अब सच बोल रहे नहीं बोल रहे जो भी ठीक है, लेकिन कभी पॉर्न देखेगा तो ज्यादातर उसमें जो सेक्स दिखाता है वो हमेशा हिंसा वाला होता है, वायलेंट, कभी प्यार वाला सेक्स आप बहुत कम देखेगा उसमें, हमेशा वायलेंट सेक्स होता है। क्यों, क्योंकि वही जो हमारा कलेक्टिव समाज की जो बीमारी फैल है उसमें वही है, और ज्यादातर औरत के प्रति हिंसा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझना है, जब कौन अगली बार देखेगा तो उसको थोड़ा सवाल करना कि ऐसा ही क्यों सेक्स है, क्या सही में ये सेक्स है, वो असल में सेक्स नहीं है। ठीक है, वो बस एक बहुत छोटा हिस्सा है उस चीज का, सेक्स बहुत एक अलग चीज है जो आपको खुद जब बड़ा होगा एडल्ट होगा तब आप लोग समझेगा। ठीक है, मैं आपको समझा नहीं सकता है ये चीज, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप लोग खुद ही समझेगा। ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल है शारीरिक चीज तो वो आप खुद को सबको पता है डीएनए में है, लेकिन उसके साथ जो इंसान ने जो दिमाग वाला पार्ट बना है ना, मैं बस आप लोग को वो उस चीज का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शारीरिक वाला कोई समझा नहीं सकता, वो आप खुद ही देखेगा जब बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या हुआ धीरे धीरे हमने फिर बात किया था ये सब क्यों हो रहा है, हमेशा मैन ओवर वुमन क्यों है, यानी आदमी ज्यादा पावरफुल क्यों रह रहा है हर जगह, औरत के अगेंस्ट क्यों हो रहा है ये सब, हाँ कहां से आया वो पावर, दिमाग से, लेकिन कहां से, हाँ में, हाँ जैसे आपने बोला था कि शायद बहुत साल पहले जब आदि मानुष के समय में फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ना, अब ज्यादातर क्या आप देखते हैं शारीरिक कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, मेल, तो शायद इसी की वजह से धीरे धीरे ये चीज चलता गया। ठीक है, कि मेल ज्यादा स्ट्रांग रहा है। ठीक है, वो फिर ओवर टाइम क्या होता है, जैसे एक और बात आपको बताया था क्या, हाँ कि जब तक शिकारी कहानी लिख रहा है शेर क्या होगा, विलेन, तो वैसे ही जब तक अब हमेशा से मैन ज्यादा स्ट्रांग रहा है पोजिशन में रहा है, यानी ट्राइब का लीडर रहा है या राजा रहा है जो भी रहा है, तो जिस तरह का कहानी बनाएगा वो या फिर जिस तरह का क्या बोलते हैं नियम कानून बनाएगा वो हमेशा मैन के तरफ से होगा ना, समझ रहे, जैसे कोई भी आप देखो रामायण, राम उसको सीता को निकाल देता है घर से, लेकिन फिर भी राम भगवान है ना, कोई अगर औरत लिखती ये कहानी रामायण व्यास की जगह कोई औरत लिखती तो अलग होता ना ये कहानी, समझ रहे, वैसे कानून एंशियंट ग्रीस में जैसे औरतों को नौकर की तरह समझते थे कि स्लेव है, ठीक है कि बस बच्चा पैदा करने का मशीन है, ठीक है, बहुत हंसता है यार ये सब चीजों में भिड़ंत क्या है, हंसो हंसो ठीक है, अच्छा अगर हंसी आ रहा है हंसो, लेकिन समझ रहे तुम क्या बोल रहे, मैं समझ रहा जो बोल रहे समझ रहे ना, ठीक है, और क्या कोई भी कहानी एडम एंड ईव बाइबल का एडम एंड ईव स्टोरी बाइबल नहीं सुना है, सुना है बताओ क्या होता है सबको, बताओ बताओ, अरे मुझे नहीं इनको पता, भगवान शुक्र
है, ठीक है, आगे चलता है। तो बेसिकली ये जो कि हम प्रॉब्लम बात कर रहा है, इससे क्या क्या है, जैसे सिम्टम्स क्या है कि एक तो औरतों का जो अपना शरीर है उस पे उनका अपना कंट्रोल नहीं है, समाज बताता है उनको, जैसे क्या कि तुम लोग नंगा घूम सकते हैं शर्ट के बिना लेकिन लड़की नहीं घूम सकती है ना। और भी बहुत चीजें हैं, जैसे क्या कोई जैसे एड में उनको खड़ा कर देता है, एक तरह से एड ये समय खड़ा कर रहा है लेकिन अपने बाकी जो आसपास में क्या है एकदम घूंघट पैर लगा के रहते हैं और खुद छुप छुप के पॉर्न देख रहा है या प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा है लेकिन अपना बीवी बच्चा ये सब सब एकदम घूंघट लगा के घर के अंदर बैठा होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये आ कहां से रहा है, तो वही जो हमने बोला कि जब तक शिकारी कहानी लिख रहा है तो वो हीरो ही रहेगा ना और शेर विलेन रहेगा। तो एडम एंड ईव का स्टोरी में क्या होता है, एडम एंड ईव भगवान बना देता है पहला इंसान, ठीक है, उसके बाद फिर एडम बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ मुझे एक साथी चाहिए, तो भगवान बोलते हैं ठीक है वो ईव उसके लिए एक बीवी बना देता है, पहली बात। अब अगर शायद ये बाइबल का स्टोरी कोई औरत लिख रहा होता तो शायद उल्टा होता, पहले ईव आती और फिर शायद वो बोलती मैं बोल रही अब मुझे कोई चाहिए तो एडम देगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ये सब, समझ रहे हैं ना, जैसे कि वेद, वेदों का एग्जांपल लेता है, वेद में क्या है वर्ण सिस्टम है ना, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, कास्ट सिस्टम जो है, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है शूद्र सबसे नीचा है, ठीक है, ये रूल कौन बनाया होगा आपको क्या लगता है, कौन बनाया कौन होगा, ब्राह्मण तभी वो रूल बनाया ना, समझ रहे, शूद्र रूल बनाता होता तो शूद्र टॉप पे होता ब्राह्मण नीचे होता, तो जो रूल बना रहे वो अपने लिए जो फायदा होगा वो रूल बनाएगा ना। जैसे अमेरिका जो इंटरनेशनल रूल बनाता है वो ऐसा रूल बनाता है जिससे अमेरिका का फायदा होगा, समझ रहे, वैसे ही जब इंसान में मेल रूल बनाएगा तो हमेशा कुछ ऐसे ही रूल बनेंगे जिससे मैन ज्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक है। और वैसे ही आप कहानियों में देखते हैं, जैसे एडम एंड ईव का कहानी आ गई, फिर क्या होता है एडम एंड ईव को भगवान बोलते हैं कि आप अच्छा से सुंदर गार्डन में रह रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी खा सकते हैं, बस एक पेड़ है जिसको बोलते हैं ट्री ऑफ नॉलेज, या फिर जिससे आपको पता लग जाएगा गुड और बैड क्या है, तो उस पेड़ का आप फल नहीं खाना बाकी कुछ भी खा सकते हैं। तो फिर से क्या होता है ईव, फिर से क्योंकि इंसान आदमी लिखा है तो ईव खाते हैं, ईव पहले जाती है और वो फल खा लेती है, ठीक है। तो उसके बाद उसका दिमाग चलने लग जाता है, फिर वो एडम को भी खिला देती है, उसके बाद एकदम से उनको गुड बैड पता लग जाता है और फिर उनको अपना जो अभी तक वो नंगा घूम रहा था नेचुरल जंगल में, अब लेकिन उनको शर्म आने लग जाता है भगवान से, वो छुपने लग जाता है कपड़ा वपड़ा लग जाता है। तो एक तरह से इस कहानी का मतलब क्या है कि असल में तो आपको लगता है कि एक पेड़ है जिसका फल है जिसको खा के आपको एकदम सब ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं हो प्रॉब्लम नहीं है कहानी है, ठीक है। लेकिन बोलना क्या चाहता है कि पहला इंसान लोग जो सोचने लग गया और जब वो सोचने लग गया क्या हुआ, नेचर से दूर हो गया है ना, नेचर से दूर हो गया, ये शायद बुरी बात है लेकिन एक अच्छी बात भी ये है कि वो नेचर पे कंट्रोल भी कर सकता था, जैसे कि अगर ठंड लग रही है वो अपना कपड़ा डालेगा है ना। तो ये सब ये कहानी आपको बता रहा है, धर्म का बात कर दिया तो कई जैसा आपको, हाँ वही बात कर रहा है ना कि अगर हमेशा से आदमी लोग हमेशा पावर के पोजीशन में रह रहा है तो उनको वैसे ही रूल बनाएगा ताकि अपने पोजीशन को मेंटेन कर सके, क्या है शुरू पहले पहले जो लड़के है उसको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, माँ बाप मर गया तो अगर तीन बेटी और एक लड़का है सारा प्रॉपर्टी लड़के को मिलेगा, लड़के कुछ नहीं मिलेगा, लड़कियां वोट नहीं कर सकती थी कुछ 200 साल पहले, लड़कियां वोट नहीं कर सकती थी, इवन स्कूल कॉलेज बंद था उनके लिए। तो धीरे धीरे हाँ बदल रहा है, चीजें बदल रही है, ठीक है, और बदल भी रहेंगे, इसमें क्या है आप लोग भी योगदान कर सकता है बहुत छोटा छोटा, जैसे आस पास कहीं कुछ गलत हो रहा है तो अपना आवाज उठाओ, दहेज मत लो, गाड़ी मांगने का जरूरत नहीं, अपने पैसे से गाड़ी ले सकता है ये सब, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ये जितना भी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे
परंपरा जो आप बोलते हैं अनफेयर ट्रेडिशन कस्टम से बढ़ जाता है जो चलते रहता है, जैसे दहेज सती गर्ल फीटस अबॉर्शन, पता है जैसे कुछ कुछ यहाँ पे मुझे लगता है उड़ीसा में ये प्रॉब्लम, लेकिन हरियाणा पंजाब ऐसा स्टेट्स में अगर लड़की 2-3 महीने बाद आप पता कर सकते हैं पेट में लड़का है कि लड़की है, ठीक है वो कानून के वैसे खिलाफ है, अगेंस्ट लॉ है, लेकिन फिर भी आप पता कर सकते हैं। तो क्या होता है अगर पता लगता लड़की है तो बच्चा को मार देते हैं, क्यों उसको पता है अगर कोई गरीब आदमी उसके यहाँ पे लड़की पैदा हो गई है वो बेचारा अगले 20 साल तक बस पैसा जोड़ते रहेगा कि 50 लाख को दे देगा या 10 लाख इसका दहेज में देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो पहले ही हाँ शादी करने पहले भाई पूरा जितना जीवन में सेविंग किया होता है वो खत्म हो जाता है लोगों का लड़की का शादी कराने, और लड़का पैदा होता है तो खुश हो जाता है, अरे हाँ ये तो चाहे निठल है चाहे कुछ काम नहीं करेगा लेकिन जब शादी के वक्त पैसा तो मिलेगा, है ना। और ये सब जेंडर प्रॉब्लम है, आप जेंडर पे आ रहे हैं, ठीक है जेंडर जो आप पूछ रहा था जेंडर है क्या, और ये सब जेंडर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है ये सब चीजें, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक तो क्या है आपका जो सेक्स है कैसे बना है, आप लड़का है लड़की है कैसे डिसाइड होता है, डीएनए जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो लड़की होगा, एक्स वाई है तो लड़का होगा, तो बस किस्मत का बात है। अगर दूसरा स्पर्म तुम्हारे जगह उन करोड़ों स्पर्म देखा था ना जो वीडियो उस स्पर्म जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आया है उस स्पर्म की जगह कोई और स्पर्म होता तो क्या होता, तो हो सकता है तुम लड़की पैदा होता, तो बस किस्मत का बात है। लेकिन बस उस किस्मत की वजह से जो आपका सेक्स डिसाइड हुआ है उसके लिए आप पूरा पॉपुलेशन का आधा पॉपुलेशन को दबा रहा है और उनको अपना पोटेंशियल का मतलब क्या होता है यानी उनको बेसिकली दबा रहा है एक जगह रोक पा रहा है ताकि उससे ज्यादा वो आगे कुछ ना कर पाए ना, तो इसलिए गलत है समझ रहा है। उनका कोई लड़के का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई चूज किया था कि मुझे लड़की का जन्म लेना है या लड़के का जन्म लेना है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो लड़की है क्या हो रहा है, कई विलेज में कई गांव में अभी तक होता है कि लड़का अगर घर लड़का को स्कूल भेजे लड़की को स्कूल नहीं भेजता है, लड़का चाहे बेवकूफ हो जाए उसको पढ़ाई में बिल्कुल मनना है, दिन भर वो स्कूल नहीं जाता है और बाहर गांव में खेत में खेलता है लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है, लड़की का अगर मन भी है पढ़ने का उसको नहीं भेजता है, तो क्या ऑटोमेटिकली आप आधा पॉपुलेशन आधा होना चाहिए ना, आधा मेल होना चाहिए आधा फीमेल होना चाहिए, तो आधा पॉपुलेशन को तो आपने वैसे ही हटा दिया कि आप लोग बस चुपचाप से घर में खाना बनाओ, है ना। हो सकता है अगर फीमेल को भी जितना अभी मेल को हमेशा आगे रहा है फीमेल को भी तो कितना और साइंस ऐसा बढ़ता और कई साइंटिस्ट जितना भी आप साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं या फिर बड़ा लोग का नाम सुनते हैं कितना औरतों का नाम सुना है, साइंस में शायद मैडम क्यूरी सुना हो उसके अलावा कोई नाम सुना है, हाँ उसके अलावा कोई नाम सुना है बताओ, कल्पना चावला ठीक है वो साइंटिस्ट नहीं वो एस्ट्रोनॉट है लेकिन ठीक है एक नाम इंडिया से है क्योंकि भाई न्यूटन लंबा बाल था लेकिन आदमी था, हाँ साइंटिस्ट है हाँ समाज सेवा में हाँ वो औरतों को बोलते हैं कि हाँ आप समाज सेवा करो वो काफी आपको समाज सेवा मिलेगा, लेकिन पुराना टाइम में से साइंटिस्ट या कोई भी महान राइटर या कुछ भी ऐसा बहुत कम औरतें होंगी बहुत बहुत कम, और वो भी वही औरतें होंगी जो बहुत अमीर घर से आती हैं जिनको पैसा था स्कूल को जा सकते थे कॉलेज जा सकते थे, उसके अलावा आपको बहुत कम औरतें दिखती, क्यों क्या औरतें बेवकूफ होती है, नहीं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था उनको स्कूल ही नहीं भेजा था कॉलेज ही नहीं भेजा था तो फिर कहां से बनेगा ना, तो हो सकता है अगर उनको भी दिया होता तो क्या पता हम शायद अभी तक और भी प्रोग्रेस कर लिया होता और भी विकास कर लिया होता, है
इसीलिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि स्पीशीज के आधा पॉपुलेशन को आप कुछ करने नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम है। और सेक्स क्या होता है? फिजिकल ऑर्गन अंगों पे बेस्ड है, या फिर जो क्या है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन हाँ उस पे है। जेंडर क्या है? हाँ, जो कि इन शारीरिक चीजों के अलावा जो चीजें सेक्स की वजह से जुड़ जाती है लिंग के साथ, है ना, जैसे क्या सामाजिक, समाज में क्या क्या, जैसे कि औरतें ये काम करेगी आदमी ये काम करेगी, औरतें ये कर सकती है आदमी ये कर सकता है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ये सब जेंडर का पार्ट है, ठीक है। जैसे क्या वो ही आपको बार बार एग्जाम्पल दिया कि आप लोग शर्ट उतार के घूम सकते हैं औरतें नहीं घूम सकते, है ना। और क्या, हाँ, औरत जब शादी होती है औरत घर क्यों जाती है, यानी औरत आदमी का घर क्यों जाती है, उल्टा क्यों नहीं होता है? क्या लॉजिक है इसका बताओ? हाँ बना बना है तो कुछ लॉजिक रहा होगा। ठीक है, इन चीजों का देखो कोई एक जवाब नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले से पूछे हो रहा है, तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन अब बस आप इन चीजों पे सोचो, बस मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है, सोचो, सवाल उठाओ कि क्यों हो रहा है। सिंपली कुछ चीज मान लेने से काम नहीं चलता, ठीक है, सवाल उठाना चाहिए। और हाँ, काफी रूल होता है, जैसे कि क्या तुम लोग हमेशा घूमते रहते हैं ना बाहर, काम किया वाम किया, कहीं पे भी जाता है, मस्तक करता है, शाम को भी जाता है अंधेरे के बाद। लड़कियों का क्या होता है? या तो क्लास के लिए, या फिर हॉस्टल, या फिर खाने के लिए, तभी टाइम निकलता है ना बाहर, उसके बाद अंदर। वैसे ही कई रूल होते हैं कि लड़कियां रात को नहीं घूमेंगी, क्यों? लॉजिक क्या है? हाँ, क्या रेप कर लेंगे, रेप कौन करेगा? मेल। हाँ, तो समझ रहे क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, किडनैप हो जाएगा, तुम नहीं हो सकते, नहीं हो सकता, ज्यादा होगा, लेकिन क्यों, कौन कर रहा है किडनैप? कौन कर रहे मेल, तो समझ रहे, वही बात आ जाती है कि रूल भी मेल ही बनाता है और कोर्ट भी वही रहा है, समझ रहे ना। ये कल को वही बात हो गया ना कि जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आगे से तुम खेलने नहीं जाएगा क्योंकि अगर समझ रहे, ये क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं लड़कियों के भले के लिए, लड़कियों को बाहर नहीं देना जाना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को लंबा कपड़ा पहनना चाहिए, लड़कियों को मुंह ढक के रखना चाहिए, लेकिन क्यों, किसके डर, किस चीज का है डर, किसका है? मैं मेल का है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? पहले मेल को सुधारना चाहिए ना, किसी और के दिमाग, किसी और के गलती के वजह से किसी और को पनिशमेंट मिल रहा है, समझ रहा है, क्योंकि मेल का दिमाग खराब हो रखा है, इसलिए फीमेल को आप जेल में डाल के रख रहे हो, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर मेल का दिमाग ठीक होने लग गया तो ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, आराम से घूमेगा। तो वही हमेशा लड़की पे पॉइंट करने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। जब कभी रेप केस होता है, पता क्या है, जब रेप केस होता है तो ज्यादातर रेप केस रिपोर्ट क्यों नहीं होता पुलिस को? हाँ, हरेसमेंट, शेम, लज्जा, लज्जा क्यों? क्योंकि कोर्ट में हमेशा लड़की पे सवाल उठाया जाएगा, रेपिस्ट पे नहीं। रेपिस्ट को हाँ ठीक है, आदमी है, रेप कर दिया, ये होता है लॉजिक। लड़की को बोला जाएगा आप रात को इतना बजे क्यों घूम रहे थे, आप ऐसा कपड़ा डाल के क्यों घूम रहे थे, समझ रहे हैं? गलत कौन कर रहा है, लेकिन सवाल किसको कर देना पड़ रहा है, जेल किसको, यानी ठीक है, फ्रीडम किसका कम हो रहा है? फीमेल का ना, गलती किसकी है? हाँ बस इतना बस समझाने की कोशिश। देखिए मैरिज और फैमिली, आपको क्यों लगता है कि मैरिज और फैमिली किस लिए बना है? हाँ, मैरिज शादी का सिस्टम क्यों बना है? हाँ, जाति बढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन जाति तो वैसे भी बढ़ते रहता, सब सेक्स करते रहता, जाति को बढ़ते रहता, मैरिज क्यों है? ये तो मैं बना है,
हाँ मैं क्यों बना है कुछ लॉजिक होगा ना आपको तो जेनेक्स लगता है क्या हाँ अरे तुम जाति का बात कर रहे हैं जाति तो भाई अगर आप सब एक दूसरे सेक्स करने लगे अगर तब भी जाति बढ़ेगा मैरिज का क्यों लॉजिक हाँ तो कुछ लॉजिक है सोचो इसके बारे में क्यों है बहुत सारे लोगों को लेकिन कम लोग को जान रहे हैं ना एक पति एक पत्नी बाकी लोगों को तो नहीं जान पा रहे हैं मैरिज का बेसिकली ताकि समाज को थोड़ा स्टेबिलिटी मिले स्टेबिलिटी क्या होता है यार किसने के लाया कर ठीक है स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी स्टेबल S T A B L E स्टेबल जैसे अगर ये अभी क्या है ये स्टेबल है ना गिर नहीं रहा है इसके ऊपर रख देगा तो क्या है गिर जाएगा तो ये स्टेबल होता है तो समाज यानी सॉलिड है उसी से शादी को शायद इसलिए परंपरा बनी है क्योंकि क्या है अब अगर एक इंसान है अब औरत है तुम है जैसे मान लो तुम किसी के साथ सेक्स करते हैं खोराखोरी कर देते हैं अब वो बेचारी लड़की क्या है 9 महीने तक बच्चा तैयार कर रही है तुम जाके 10 और के साथ थोड़ा ब्रेक कर देते हाँ ये चलते रहेगा ठीक है तो कोई वो नहीं और वहां से जो बेचारे जो औरतें हैं वो क्या करेगी वो तो ज्यादा काम भी नहीं कर सकते वो खाएगी कैसे ये सब कैसे होगा तो इसलिए एक सिस्टम बनाया गया धीरे धीरे समाज में कि एक औरत एक आदमी जब औरत बच्चा पैदा कर रही होगी तो आदमी उसका ख्याल रखेगा काम करेगा बाहर इसके चलते चलते धीरे धीरे ये सब बना है ठीक है और फैमिली भी उसी का वो एक है कि एक बार अब ठीक है अब आपका बच्चा हो गया उसका बच्चा हो गया उसके बाद अरे एक आदमी समझाओ यार 10 लोग बोलते कैसे समझेगा एक आदमी बोल रहा एकदम कर सकता है लेकिन वही है परंपरा समाज बन गए तो फैमिली हाँ जैसे क्या है मेरा अभी शादी नहीं हुआ है मैं अगर एक किसी जो है किसी को मैं बोलता है कि चलो हम साथ रहेंगे कोई शादी नहीं करेगा लेकिन साथ रहेंगे जीवन भर साथ रहेगा बहुत प्यार से बच्चा पैदा करेगा तो क्या है बस क्या है शायद अंतर डिफरेंस क्या है कि हम दोनों आपके उसमें ऐसे फेरा नहीं मारा है ना आपके आसपास ऐसे नहीं घूमा है बाकी क्या हमारे शादी नहीं है क्या समझ रहा है यानी मैं उसका हाथ पकड़ के उसको बोलूंगा कि अब से हम दोनों शादी हम साथ रहेगा मेरे लिए वो भी शादी है ठीक है लेकिन ठीक है आपको परंपरा है कानून भी है तो अगर आपको तो करना है तो शादी कर लेना ठीक है और आगे क्या है तो वही एक ये सब जेंडर का प्रॉब्लम क्या आ जाता है हम हर चीज एक ऐसा स्केल में देख रहे हैं एक यहाँ पे पोल है एक यहाँ पे पोल है एक यहाँ पे है पोल की तरह एक यहाँ पोल है यहाँ पोल है जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना तो एक मेल है एक फीमेल है हम पूरा जितना भी जो जानवर है जंतु है जितना भी इंसान है उन सबको ऐसे दो में डिवाइड करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है बीच में भी बहुत लोग होता है जो इधर कहीं आता है जो इधर कहीं जाता है जो इधर कहीं रहता है जैसे बीच में जो आता है उसको आपको क्या बोलता है किन्नर ट्रांसजेंडर ठीक है किन्नर हाँ इंग्लिश में यूनक होता है E-U-N-U-C-H ठीक है तो एक फीमेल का साइड है एक मेल का साइड है बीच में बहुत कुछ हो सकता है LGBTQ इसका मतलब कल पूछा था आपको कोई है ना LGBTQ L क्या है L है लेस्बियन यानी कि जो औरतें जिनको
जो दूसरे औरतों से आकर्षित होती है। जी यानी गे, जो आदमी दूसरा आदमी से आकर्षित होता है। बी बाइसेक्सुअल, जो आदमी और दोनों से, यानी अगर यहाँ मैं हूँ, मैं मेल से भी अट्रैक्ट होता हूँ, मैं फीमेल से भी अट्रैक्ट होता हूँ, बाइसेक्सुअल। टी ट्रांसजेंडर, यानी कि जो आदमी या औरत, जैसे अगर आदमी है तो उसको औरत का कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है, वो औरत की तरह बनना चाहता है, या फिर जो औरत जिसको आदमी का कपड़ा पहनना अच्छा लगता है वो आदमी की तरह बनना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो फिजिकल, तो वही सेक्स और जेंडर में यही अंतर है। जैसे कोई हो सकता है जिसका, जैसे मेरा पीनस है तो मैं क्या हूँ, मैन, लेकिन हो सकता है मुझे, मेरे दिमाग में मुझे लगता है मैं वुमन हूँ, तो मैं मेकअप करता हूँ, साड़ी पहन के डाल देता हूँ, तो मेरा जेंडर शायद फीमेल है लेकिन सेक्स मेल है, है ना। तो इसलिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये चीज, हर चीज को एक दो, ये तो हम लोग क्या चाहते हैं कि दो डब्बा बना हुआ है, जितना भी इंसान है एक उस डब्बे में जाएगा, एक उस डब्बे में जाएगा, लेकिन इंसान है, वोटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि हाँ या ना, 50% इधर 50% नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीच में गए हैं, और अगर ये जो सिस्टम है ना, जो बीच में है उसको हम जबरदस्ती फीमेल में घुसाना चाहते हैं, फिर मेल में घुसाना चाहते हैं, तो बहुत उससे दिमाग प्रॉब्लम्स हो जाता है, कोई लोग सुसाइड करते हैं, कोई लोग मार जाता है, कोई लोग वायलेंस करता है, रेप करता है, ये सब करता है, काफी चीजें इसी की वजह से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या है, हम सब सोचते हैं ये नॉर्मल है, मेल या फीमेल ये नॉर्मल होना चाहिए, है ना। नॉर्मल का मतलब सब समझता है ना, नॉर्मल साधारण, लेकिन अगर सब साधारण रहे तो कभी कुछ नया आएगा क्या? अगर न्यूटन आइंस्टाइन ये सब लोग साधारण रहता तो कभी कुछ नया नहीं आता, तो इसलिए साधारण को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए ये LGBTQ चाहे आप लोग को शायद अजीब लगे, लेकिन इतना कुछ अजीब नहीं है, पहले मुझे भी अजीब लगता था कि ऐसा क्या है कि एक लड़का लड़के से अट्रैक्ट हो रहा है, ये सब बहुत अजीब लगता था मुझे, लेकिन फिर मैं कॉलेज गया, वहां पे मेरा बहुत दोस्त बना जो कि गे था, जो लेस्बियन था, मेरा एक दोस्त था जिसको साड़ी पहनना अच्छा लगता था, ठीक है। हाँ मैं समझ रहा, आपको हंसी आ रहा है, लेकिन फिर मैंने उससे बात किया, उसे सही में लगता था कि हाँ वही है, उसका आइडेंटिटी वो है, आइडेंटिटी का हम बात किया था ना, आइडेंटिटी उसको लगता था, हाँ आप ठीक है बोलते हैं उसको, वो मुझे बोलता था अब पीनस है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आइडेंटिटी औरत का, इसलिए मैं साड़ी पहनता हूँ। और आपको नहीं लगता हमारे समाज में बहुत ज्यादा दूसरी प्रॉब्लम है कि हम ये सब सोचने लग गए कि एक आदमी, इंसान, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति कौन सा कपड़ा पहन रहा है, उसका चॉइस होना चाहिए ना, कोई उसको साड़ी पहनना है तो पहनने दो, किसी लड़की को अगर पैंट पहनना है पहनने दो। समाज में और भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है हमारे, अगर ये कपड़ों से ज्यादा है ना, वो किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा, अगर मेरा दोस्त साड़ी पहन के घूम रहा है तो क्या किसी को वो क्या दुख पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उनका थोड़ा अपना प्रॉब्लम है दिमाग में, वो समझ नहीं पा रहे उस चीज को। आदमी जो भी एक दूसरी चीज को नहीं समझ पाता, या तो उसको भगवान बना देता है या उससे लड़ता है, डरता है, ठीक है। तो ये सब चीजें समझने का जरूरत है, ठीक है, कि इतना भी क्या ही बुरा है अगर दो, हाँ अगर दो लड़की एक दूसरे से प्यार करता है तो क्या बुरा है, ठीक है। लास्ट बात इसी के चलते जो है शिव शक्ति वाला जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ शिव शक्ति हो, तो हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट है ना कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसका सृष्टि कैसे हुआ है, उसको कैसे बनाए, शिव और शक्ति के संगम से। अब वही है जैसे मैंने आपको बताया, धर्म ने थोड़ा इनडायरेक्टली बोलता है शिव और शक्ति के संगम से, बेसिकली क्या बोल रहा है, शिव और शक्ति थोड़ा कभी किया और फिर दुनिया बन गया, समझ रहा है, है ना। जो मंदिर में तुम जाता है, हाँ शिवलिंग क्या है, ये शिव का प्रतिष्ठित, हाँ, और ये क्या है, है ना, तो ये योनी है, ये लिंग है। अब इसमें भी देखो जेंडर प्रॉब्लम, बस लिंग का पूजा क्यों करता है, योनी का पूजा क्यों नहीं करता है, वो भी तो शक्ति है, हाँ इसका पूजा नहीं करता, मैं हमेशा लिंग बोलता है, शिवलिंग, योनी का पूजा नहीं करता ना,
शक्ति तो शक्ति है भाई, शिव तो शिव है, शक्ति तो शक्ति है, वही बात आ गया। क्योंकि ये सब रूल, ये सब रिलीजन कौन बनाया है? मेल। हाँ, अगर वेद व्यासी जगह रामायण कोई और लिखा होता या फिर महाभारत कोई और लिखा होता, कोई और लिखी होती तो बहुत अलग होता। उसमें द्रौपदी का साड़ी नहीं उतरता, शायद कृष्ण का कच्छा या फिर अर्जुन का धोती निकलता, समझ रहे ना? वैसे रामायण में सीता शायद राम को बाहर निकालती होती, अगर चल उन्हें नहीं चाहिए, उस टाइप का जो रूल बनाता है उसी तरह का होगा, है ना? वो अब शिव में क्या है, ये शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट है, ये शिव मेल है, शक्ति फीमेल है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है चाइनीज फिलोसफी का, ये भी यान, ये शायद तुम लोग देखा भी होगा ऐसा कुछ, ये कभी ऐसा डायग्राम देखा है? देखा है, लॉकेट वॉकेट में भी आता है ये पहनने के लिए, है ना? तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें कुछ ये नियम में मेल मैन और वुमन नहीं है। मैन और वुमन जैसा क्वालिटीज है, जैसे मैस्कुलिन एडजेक्टिव हो गया ना, अब ये नाउन नहीं है, मेल क्या है, नाउन है, मैस्कुलिन क्या है, एडजेक्टिव, यांग फेमिनिन, नहीं सॉरी, यिन फेमिनिन है और यांग मैस्कुलिन है। तो चाइनीज फिलोसफी के हिसाब से ऐसा नहीं है कि बस आधा मैन है आधा फीमेल है, उनके हिसाब से ये सब क्वालिटीज है जो कि हम सबके अंदर है, आपके अंदर, जैसे अगर तुम है तुम्हारे अंदर फीमेल क्वालिटीज भी है, फेमिनिन क्वालिटीज बताओ क्या लगता है आपको, जैसे मैस्कुलिन क्वालिटीज क्या होता है, गुण, मैन का गुण क्या होता है, जैसे और ये जो गर्म क्या है वो, अरे क्वालिटीज क्वालिटीज, ये तो फिजिकल वो क्वालिटीज, गुण, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, अग्रेशन वायलेंस, और फीमेल का सरल और प्यार देने वाला, पोषण देने वाला, बच्चा का वही सब करने वाला, ये सब कौन है? हाँ जाओ सब, हाँ क्या लज्जा, हाँ लज्जा ठीक है, लेकिन लज्जा ये सामाजिक प्रॉब्लम है, लज्जा बनाया गया, लज्जा कोई एसेंशियल गुण नहीं है किसी का, ठीक है। तो वही बोलना ये चाहता है कि ये सब गुण आपके पास इंसान मेल के अंदर, जब तुम्हारा बच्चा होगा, हाँ 5 मिनट खत्म हो रहा है, तुम्हारा बच्चा होगा तुम उसको प्यार नहीं देगा क्या? देगा ना, वो अगर तुम्हारी बीवी कहीं चले जाती तुम उसका ख्याल रखेगा, उसके लिए खाना बनाएगा, तो ये तो फेमिनिन क्वालिटी हो गई, फेमिनिन क्वालिटी हो गया ना, तो फिर क्या है, तुम बोलेगा नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं आदमी है, अगर तुम्हारा बीवी बच्चा हो गया, बीवी तुम्हारा अपना घर चले जाते 3 महीना के लिए, लेकिन बच्चा तुम्हारे पास है, तुम क्या करेगा, बच्चे को कैसे छोड़ देगा क्या? खाना बनाएगा उसके लिए, उसका पोषण करेगा ना, तो ये तो फेमिनिन गुण है, तुम क्यों करेगा, ये तो फेमिनिन गुण है ना, ये तो औरत का गुण है, तो तुम कैसे कर सकता है, करना पड़ेगा कि नहीं, करोगे ही, करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेमिनिन गुण मैस्कुलिन गुण ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये बस जबरदस्ती बनाया गया है। जैसे आपको क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव या नॉर्थ पोल साउथ पोल, सेल का जो इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ भी, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये मतलब है क्या, पॉजिटिव ज्यादा अच्छा है नेगेटिव तो ज्यादा अच्छा है, बस दो अलग अलग गुण है, उसको एक स्टिकर लगा दे, एक पे पॉजिटिव यानी बस एक ये स्टिकर लगा दे, एक ये स्टिकर लगा दे, वैसी गुण है, अलग अलग गुण है जो सब इंसानों में है, कुछ पे एम का स्टिकर लगा दे, कुछ पे फीमेल का स्टिकर लगा दे, समझ रहे, कुछ ऐसा नहीं है कि ये गुण बस जिसके पास पीनस है उसी के पास होगा, या फिर ये वाला गुण बस जिसके पास वजाइना है, ब्रेस्ट है उसी के पास होगा, ह्यूमन गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सब में फैला हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम तब आ जाता है जब
आप कुछ गुणों को हटा देते हैं, बोलते कि नहीं मैं इंसान हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं ये नहीं करता है। असली अगर आपको इंसान बनना है, इंटीग्रेटेड इंसान बनना है, तो सब गुणों को आपको समझ के अपने अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे? ये ऐसा नहीं होता कि आधा नहीं, ये तो औरत का गुण है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई प्यार सबसे जरूरी है, ठीक है, प्यार और पोषण ये सब। तो लास्ट तो यही है कि क्या हाँ, तो मेल फीमेल जो ये सब जो गुण है अपने अंदर, आप इनको जोड़ के समझिए। पहले तो सवाल उठाइए कि क्या आप मैस्कुलिन क्या फीमेलिन समझ के अपने अंदर इंटीग्रेट करिए, और उसी से हमारा क्या होगा। जो आपको बार बार चीज बोला था ना, यहाँ पे अगर जो बैक्टीरिया से इवोल्यूशन हुआ है, ये सब हुआ है, इंसान पहुंचते पहुंचते सबका क्या शारीरिक विकास हुआ है, इस तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इंसान का क्या विकास हुआ है, इस तरह ऊपर की तरफ। कैसे? हाँ, ब्रेन दिमाग, सोसाइटी, कल्चर, ये सब। बाकी सबका क्या है विकास? फिजिकल, शारीरिक विकास। हाँ, सेम नहीं, शारीरिक विकास। बड़ा होता है साइज में या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, समझ रहे ना, या तो बाल लंबा हो जाता है या पंख बड़ा हो गया, ये सब हो गया। इंसान का शारीरिक से ज्यादा इस डायरेक्शन में विकास हुआ है। तो इसीलिए ये चीज आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि आपके अंदर मेल भी है, फीमेल भी है गुण, तभी आप हम लोग और ऊपर पहुंच सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब इस साइड हमारा विकास ज्यादा नहीं होने वाला है, दूसरी तरफ विकास होगा, ठीक है। और शिव शक्ति का भाई जो एक कॉन्सेप्ट आता है अर्धनारेश्वर, कुछ कुछ मंदिर में देखा होगा, आधा शिव बनाता है आधा शक्ति पार्वती बनाता है। अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि शिव का वो अवतार या फिर शक्ति का वो अवतार जिसमें वो दोनों मिक्स है, शिव भी है पार्वती भी है, और या तो क्या है बेसिकली जो आप बोल दिया किन्नर है ना। तो कुछ इन चीजों में गलत नहीं है, गलत आपके दिमाग में है, ठीक है। ये चीज हम समझेंगे धीरे धीरे, चलिए ठीक है।